एशिया कप 2023 का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अब दो देशों का सपोर्ट भी मिल गया है। हम तो चाहते हैं कि चीजें अगर इस तरीके से ही आगे बढ़नी है तो इस तरीके से ही आगे बढ़े, क्योंकि वो सारे मुल्कों को साथ में लेकर के किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर नजम सेठी साहब का आइडिया था अगर वो और वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो नहीं जी ये हमारी किसी तरह की हार हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होता है और इसे एक्सेप्ट करती है ACC तो बिल्कुल इसको भी शो करेंगे। हाइब्रिड मॉडल को BCCI पहले ही मना कर चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई सारे नए प्रस्ताव पेश किए जिस पे उन्हें सपोर्ट मिला। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान BCCI को घेर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकाई क्रिकेट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने ACC को प्रस्ताव सौंप दिया है। अब ACC के अध्यक्ष जयशाह अगले दो दिन में प्रस्ताव का आकलन करेंगे। हालांकि जैसा कि BCCI पूरे टूर्नामेंट को शिफ्ट कराने पर अड़ा हुआ है तो भारत इस टूर्नामेंट का बहिष्कार भी कर सकता है। हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे जैसे एशिया कप पास आ रहा है वैसे वैसे BCCI को घेरने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि एशिया कप होता भी है या फिर अपनी अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में क्रिकेट की हार होती है। अलग ऑप्शन है हाइब्रिड मॉडल, हाँ, कि वो आप इंडिया एशिया कप पाकिस्तान में होगा, हाँ। इंडिया के मैच कहीं और होंगे और अगर इंडिया फाइनल पहुंचता है तो भी बाकी टीमें वहीं आके खेल। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो एशिया कप की भी बात हुई थी हाइब्रिड मॉडल की, वो भी मुझे होता नहीं दिख रहा है। हालांकि ख्वाहिशें तो करोड़ों की है, लेकिन हर ख्वाहिशें जो है दोस्त पूरी नहीं हो पाती है। हर कोई चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो, टीम इंडिया वहां भी ट्रेवल करे, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि पाकिस्तान जो है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, अपने मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। पाक भारत टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका में भी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि पाक भारत सीरीज के लिए पहला ऑप्शन इंग्लैंड और दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में हाउसफुल हो सकता है तो ठीक है, ये बड़ा अच्छा होगा। भारत के साथ टेस्ट सीरीज के लिए दुबई हमें सस्ता पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को हमने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रडार पर रखा है। नजम सेठी का कहना था कि एशिया कप के लिए भारत को हाइब्रिड मॉडल दे चुके हैं, अब वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी को बचाने के लिए ICC को आगे आना होगा। ICC को भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए, उसे भारत को कहना चाहिए कि पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना तो हाइब्रिड मॉडल अपनाओ। वाज़ेह रहे कि भारत के साथ टेस्ट सीरीज का आइडिया गुज़िश्ता साल भी खबरों की जिनत बना था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव की वजह से दो तरफा सीरीज नहीं हो रही। दोनों के दरमियान आखिरी बार बाइमी सीरीज 2013 में खेली गई थी और दोनों टीमों के दरमियान आखिरी बार टेस्ट मैच दिसंबर 2007 में खेला गया था। मेलबर्न और सिडनी में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी की बड़ी तादाद बसती है, जबकि गुज़िश्ता साल मेलबर्न में पाक भारत मैच में 90,000 शायकीन ने देखा। वाज़ेह रहे कि भारत के साथ टेस्ट सीरीज का आइडिया गुज़िश्ता साल भी खबरों की जिनत बना था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव की वजह से दो तरफा सीरीज नहीं हो रही। दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी बार बाइमी सीरीज 2013 में खेली गई थी और दोनों टीमों के दरमियान आखिरी बार टेस्ट मैच दिसंबर 2007 में खेला गया था। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को भी दबा दें।